Hi friends, welcome to another exciting weekly dose of your favorite podcast channel, The Vision 100. My name is Avinash and I am here to tell you that today's topic is going to be an eye-opener for all of us. Ever heard of the term, you are what you eat? This may surprise you, but what if I told you that most people have no idea what they are eating? It is time for all of us to learn about what hidden sugars really are and the effects that they can have on our bodies. The best way to understand this topic is to learn from a man who has complete awareness on the subject and has also mastered the art of living healthily around it. So without further delay, I proudly present to you our dearest country mentor and wellness coach, Mr. Sumit Bahadur, as he takes us on a journey into the dark side with the topic, the side effects of hidden sugars. Over to you, sir. थैंक यू अविनाश. दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूंगा विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और ये कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. एज यू ऑल नो, राइट नाउ इन इंडिया द टाइप 2 डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, और जो प्रॉब्लम्स है ओवरवेट की, ओबेसिटी की, वो 4 से 5 गुना बढ़ गई हैं इंडिया में. यू नो, प्रॉब्लम्स ड्यू टू ओवरवेट एंड ओबेसिटी हैव इंक्रीज्ड 4 to 5 टाइम्स नेशनली. ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है अल्टीमेटली दे आर कनेक्टेड टू आवर फूड हैबिट्स एंड इनएक्टिव लाइफस्टाइल, जिससे कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है यू नो वो ख़राब हो जाता है, एटलीस्ट टू पोअर मेटाबॉलिज्म. एट द सेम टाइम ये सब चीज़ें जो है ना, दे ऑल्सो अफेक्ट आवर हार्ट हेल्थ, लीडिंग टू कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स. सो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए मैं इन सब चीज़ों को आई विल कॉल देम एज कार्डियो मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स, जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं एंड बिकॉज ऑफ विच वी आर नॉट एबल टू एंजॉय द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट वी ऑल डिजर्व. इंडिया में इस वक्त जो शुगर कंजम्पशन है, दैट इज़ अराउंड 18 किलोस पर ईयर. एक साल में एक एडल्ट या एक बच्चा लगभग 18 किलो शुगर कंज्यूम कर लेता है, विच इज़ नॉर्मल, यू नो दैट्स ओके, लेस देन व्हाट अदर कंट्रीज डू. ये वो शुगर है विच वी आर आवरसेल्व्स पुटिंग इन आवर फूड व्हेन दैट वी प्रिपेयर इन आवर किचन. जो हम लोग अपने चाय, कॉफ़ी, खाना बनाते हैं, लस्सी बनाते हैं, उसमें जो शुगर डालते हैं, ये वो शुगर है. लेकिन रिसर्च ये कहती है कि हम इंडियंस जो हैं उससे 3 गुना ज़्यादा, वी इंडियंस आर कंज्यूमिंग मोर देन ट्रिपल दैट अमाउंट विदाउट इवन रियलाइजिंग इट वाया द हिडन शुगर इन आवर फूड्स विच वी आर ईटिंग एवरी डे. जो हमारी हिडन शुगर होती है उन खानों में जैसे हम हर रोज़ खाते हैं, लाइक ब्रेड, बिस्किट्स, टोमेटो केचप, सॉसेस, सैलड ड्रेसिंग्स, कोल्ड ड्रिंक्स, कैंड फ्रूट जूसेस, चिप्स, रेडीमेड ब्रेकफास्ट सीरियल जैसे कॉर्नफ्लेक्स होता है, रेडीमेड स्नैक्स जो हम खाते हैं लाइक भेल, फरसांस, दालमोठ वगैरह वगैरह, इन सब में शुगर एडिड होती है. और ये जो हिडन शुगर होती है दैट इज़ ऑलमोस्ट 3 टाइम्स द रेगुलर अमाउंट विच वी आवरसेल्व्स पुट इन अवर फूड. इसका मतलब ये है, मैंने कैलकुलेट किया कि ये जो हिडन शुगर है ये हमारे डाइट में ये इतनी है कि सपोज अ फैमिली ऑफ 4 पीपल, 2 एडल्ट्स 2 बच्चे, 2 एडल्ट्स एंड 2 चिल्ड्रन, दे आर कंज्यूमिंग सो मच शुगर कि अगर ये जो हिडन शुगर है इन्हें खुद अपने आप बाजार से लेकर कंज्यूम करनी पड़ती. इफ़ ऑल दिस हिडन शुगर अ फैमिली ऑफ 4 हैड टू गो टू द स्टोर एंड बाय एंड कंज्यूम, दैट मीन्स एवरी वीक, हर हफ्ते दिस फैमिली ऑफ 4 वुड बी गोइंग टू द स्टोर एंड एवरी फैमिली मेम्बर, हर एक फैमिली मेम्बर जो है वो 1-1 किलो का 1 kg पैक ऑफ शुगर खरीदता, घर आता, उसे खाता, एंड देन अगेन नेक्स्ट वीक दे वुड बी गोइंग अगेन बैक टू द स्टोर टू बाई 1 more kg ऑफ पैक ऑफ शुगर एवरी पर्सन एंड देन कमिंग बैक एंड कंज्यूमिंग. ऑब्वियसली इट साउंड रिडिकुलस, लेकिन ये सच है. बिकॉज हो क्या रहा है कि अगर हम लोग जो है वो सारी की सारी हिडन शुगर जो हमें पता भी नहीं है, विच वी आर नॉट इवन अवेयर दैट वी आर ईटिंग, अगर उसको हम लोग जो है फिजिकल फॉर्म में, यू नो, वाइट शुगर के फॉर्म में खाते, तो दिस इज द काइंड ऑफ सिनेरियो, दिस इज हाउ इट वुड लुक लाइक. तो आप मुझे बोलेंगे कि ये सब कैसे पॉसिबल है, इतना तो हम खाते ही नहीं है, वाई इज दिस हैपनिंग. दोस्तों, इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको अगर मैं समझाऊं तो बेसिकली जो इंडिया में जो प्रोसेस फूड इंडस्ट्री है ना, दे हैव टू सेल प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर्स, यू नो दे हैव टू मेक प्रॉफिट, एंड दे हैव समहाउ फिगर्ड आउट दैट टू सेल मोर प्रोडक्ट्स, यू नो, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स, पैकेज्ड फूड्स टू यू, दे हैव टू मेक देम टेस्टी एंड दे मे हैव टू मेक देम सॉर्ट ऑफ एडिक्टिव, और वो तभी पॉसिबल हो पाता है व्हेन दे ऐड शुगर इन इट फॉर टेस्ट.
बट देन यू विल आस्क मी कि व्हाई इज़न द गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट स्टॉपिंग देम, गवर्नमेंट का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो उन्हें रोकता क्यों नहीं है अगर इतनी सारी हिडन शुगर हार्मफुल है। दोस्तों गवर्नमेंट एजेंसीज जो है दे रियलाइज दैट द प्रोसेस्ड फूड इज़ हार्मफुल एंड इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर हार्मफुल, इसीलिए वो उन पर टैक्स लगा देती हैं, दे मेक द मोर एक्सपेंसिव बाय पुटिंग मोर टैक्सेस ऑन इट, थिंकिंग कि इफ द कंज्यूमर्स हैव टू पे मोर तो उनके लिए चीज़ें जो है वो लेस अफोर्डेबल हो जाएंगी और उन्हें खाना कम कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी प्रॉब्लम ये है कि हमारा इंडियन मिडिल क्लास जो है इट इज़ बिकम मोर एंड मोर एफ्लुएंट, उनके पास ज़्यादा स्पेंडिंग कैश आ गया है, देयरफॉर दे आर एबल टू अफोर्ड मोर एंड मोर थिंग्स एंड दिस इज व्हाट्स कॉजिंग द प्रॉब्लम। सो आज मैं ये पॉडकास्ट बना रहा हूँ इन द जनरल पब्लिक इंटरेस्ट टू डू माई बिट टू एजुकेट ऑल द लिसनर्स अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ हिडन शुगर, ताकि वो जो है शुगर ओवरलोड ना कर लें और वो समझ सके कि ये हिडन शुगर कहाँ से आती है, और जो चीज़ पता होती है, नॉलेज होती है, उस चीज़ को फिर अगर आप चाहें तो उसको रोक सकते हैं। दिस इज़ वॉट आई विल ट्राई टू डू इन दिस पॉडकास्ट। तो सबसे पहली बात तो ये जो हिडन शुगर होती है, अगर ये ज़्यादा खा लें हम लोग, चाहे अनोइंगली या नोइंगली इफ यू ईट अ लिटिल बिट मोर, एक्सेस में खा लें ये हिडन शुगर इन खानों में जो इतने टेस्टी होते हैं, देन वॉट इज़ सो बैड अबाउट इट, इसमें ख़राबी क्या है? दोस्तों आइए इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहली बात तो दोस्तों, इफ़ यू कंज्यूम एक्सेस हिडन शुगर इट लीड्स टू प्रीमेच्योर एजिंग। आप बोलोगे कैसे, हाउ? फ्रेंड्स व्हेन वी ईट अ डाइट विच इज़ हाई इन शुगर्स, तो जो एक्सेस शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, विच आवर बॉडी डजंट रिक्वायर फॉर एनर्जी, दे कैन गो एंड अटैच देमसेल्व्स टू द कोलेजन एंड इलास्टिन इन आवर स्किन। और जब ये शुगर मॉलिक्यूल जो है हमारे स्किन कोलेजन और इलास्टिन के साथ अटैच हो जाते हैं, देन इट प्रिवेंट्स देम टू डू द जॉब प्रॉपरली विच इज़ टू कीप द स्किन टाइट, सपल, स्ट्रेची एंड यंग लुकिंग। तो इस वजह से देर इज समथिंग कॉल्ड द शुगर फेस। क्या होता है कि व्हेन अ पर्सन कंज्यूम्स टू मच शुगर, तो उनकी जो स्किन होती है ना, इट स्टार्ट सैगिंग एंड बिकम्स ऑल रिंकली, फुल ऑफ रिंकल्स। दिस इज वन इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट ऑफ हाई शुगर डाइट इज दैट इट कैन ऑल्सो लीड टू एक्नी। अगर हम लोग कभी कभी ओकेजनली कोई बहुत मीठा खा लेते हैं ना, इसमें वी हैव अ मील विच इज लोडेड विद स्वीट्स, इट इज़ ओके, आवर बॉडी मे बी एबल टू हैंडल इट। बट अगर हम लोग रूटीनली बहुत ही हाई अमाउंट्स ऑफ हिडन एक्सेसिव शुगर जो है ले रहे हैं अपने खाने में, तो देन वी हैव हाई लेवल्स ऑफ इंसुलिन। और जो हाई लेवल ऑफ इंसुलिन होता है ना, इट सेंड सिग्नल्स टू आवर स्किन टू प्रोड्यूस मोर ऑयल। इसके पीछे साइंस है पूरी, आई डोंट वांट टू गो इन द साइंस, बट सिंपल सी चीज़ है, हाई लेवल ऑफ इंसुलिन विल सेंड अ सिग्नल टू आवर स्किन टू प्रोड्यूस मोर ऑयल, एंड दैट एक्स्ट्रा ऑयल इज बैड फॉर आवर फेस। व्हाई? बिकॉज इट लीड्स टू अ हायर रिस्क ऑफ क्लॉग्ड पोर्स, ब्लैक हेड्स एंड ब्रेकआउट्स। तो हमारी स्किन खराब हो सकती है इससे। नाउ लेट्स गेट इनटू द सीरियस स्टफ। एक्सेस शुगर ऑल्सो मेक्स योर ऑर्गन्स फैटी। कोई भी डाइट जो हाई होती है शुगर में, फ्रक्टोज में, और एनी कॉमन शुगर लाइक फूड एडिटिव, इट विल ट्रिगर योर लिवर। आपके लिवर को वो बोलता है कि ज़्यादा फैट स्टोर करो, एंड दैट कैन लीड टू अ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। ये एक ऐसी कंडीशन है जो इंडिया में 80s या 80s से पहले कभी दिखती नहीं थी, लेकिन आजकल बहुत प्रेवलेंट हो गई है। एंड वाई इज़ दिस हैपनिंग? जैसा कि मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 63, इन माय अर्लियर पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 63, आई हैड मेंशन दैट इंडियंस आर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड टू हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस, और यही मेन कारण है, दिस इज द मेन रीजन डायबिटीज हैज रीच्ड एपिडेमिक प्रोपोर्शंस इन इंडिया। इनफैक्ट देर आर मोर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ केसेज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज इन इंडियन चिल्ड्रन, जिसे हम जुवेनाइल डायबिटीज कहते हैं, एडोलेसेंट्स एंड टीनेजर्स में ये जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इंडिया में। आई थिंक वी आर सिटिंग ऑन अ टिकिंग टाइम बम। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज बच्चों की खाने की आदत जो होती है, बैड ईटिंग हैबिट्स होती हैं, बिकॉज पेरेंट्स को पता नहीं होता है, ड्यू टू द पेरेंट्स लैक ऑफ नॉलेज, और साथ साथ बच्चों की जो फिजिकल एक्टिविटी है, खेल कूद जो है, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग डाउन साइमल्टेनियसली। एंड दोस्तों फोर्थ थिंग, चौथी चीज़ क्या है कि वेन वी टेक एक्सेस शुगर इट टर्न्स अस इनटू एन एडिक्ट, वो हमें एडिक्ट बना देती है। शुगर विल ट्रिगर द रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक ओपियोइड्स एंड डोपामीन, जो कि हमारे ब्रेन के प्लेजर सेंटर को एक्टिवेट कर देती है, एंड यू नो वी फील वेरी हैप्पी, हमें खुशी मिलती है मीठा खाने से, इट इज़ कॉल्ड शुगर रश। बट सून होता क्या है कि हमारा जो टॉलरेंस लेवल होता है ना, वो शुगर रश पाने के लिए इट बिकम्स हायर एंड हायर एंड हायर, और फिर क्या होता है कि हमें लार्जर एंड लार्जर डोजेस चाहिए होती शुगर की टू गेट द सेम इफेक्ट
जो कि हमारी ब्रेन क्रेव करती है, चाहती है। इट इज जस्ट लाइक बींग अ ड्रग एडिक्ट। पांचवी चीज क्या है कि एक्सेस शुगर कैन लीड टू हार्ट डिजीज। क्रॉनिकली हाई इंसुलिन लेवल्स जो होते हैं, वो जो मसल सेल्स को होते हैं ना हमारे, तो ब्लड वेसल्स के आसपास होते हैं, इट कॉजेज देम टू ग्रो अ लिटिल बिट फास्टर देन नॉर्मल। उससे क्या होता है कि वो हमारी आर्टरीज पर दबाव डालते हैं, लीडिंग टू हाई ब्लड प्रेशर। छठी चीज, सिक्स चीज, व्हेन यू टेक एक्सेस शुगर इन हिडन फॉर्म देन इट इंक्रीजेज द कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। स्टडीज पाई गई हैं, रिसेंट स्टडी शो दैट पीपल हु कंज्यूम हाईएस्ट लेवल्स ऑफ शुगर ऑल्सो रिकॉर्ड द बिगेस्ट लेवल्स ऑफ अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल एंड द लोएस्ट लेवल्स ऑफ हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। सातवीं चीज जो है अल्जाइमर डिजीज, जो कि अब इंडिया में धीमे धीमे बढ़ रही है। देर इज रिसर्च विच इज लिंकिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस इन इंडियंस एंड देर हाई फैट डाइट ऑल्सो टू अल्जाइमर डिजीज। और ये रिसर्च कहती है कि ये जो कंडीशन है ना, इट इज लाइक अ मेटाबॉलिक डिजीज। इसमें जो ब्रेन होती है ना, इट लूजेज इट्स एबिलिटी टू प्रोसेस ग्लूकोज एंड दैट इज वॉट बेसिकली लीड्स टू अल्जाइमर डिजीज। आठवीं चीज, व्हेन यू आर कंज्यूमिंग हाई अमाउंट्स ऑफ शुगर इन हिडन फॉर्म, इट डिसेबल्स योर एपेटाइट कंट्रोल। बिकॉज होता क्या है कि हमारी ब्रेन को पता ही नहीं लगता है कि हमने कब इनफ खा लिया है, पर्याप्त खा लिया है। और जो हाई शुगर डाइट होती है, इट लीव्स यू फीलिंग हंग्री इवन वेन यू आर फुल एंड यू टेंड टू ओवर ईट। और नाइन्थ चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि जो लोग हाई शुगर डाइट खाते हैं ना, दे आर प्रोन टू गेट मोर डिप्रेस्ड। वो डिप्रेशन से ज्यादा सफर कर सकते हैं। दे आर एट 40% हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिप्रेशन देन द हेल्दी ईटर्स। बिकॉज होता क्या है कि जब हमारी ब्रेन में जब वो शुगर रश होता है ना मीठा खाने से, तो उसके 30 मिनट्स बाद इट कम्स क्रैशिंग डाउन ऑल्सो। तो मूड स्विंग्स जो होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं उन लोगों में जो बहुत मीठा मीठा खाते हैं, एंड दोज मूड स्विंग्स कैन लीड टू डिप्रेशन लेटर ऑन। दैट्स व्हाट रिसर्च इज सेड। अब हम कर क्या सकते हैं दोस्तों इसमें, व्हाट कैन वी डू? आपका नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि हिडन शुगर मतलब वो छुपी हुई है, हमें मालूम नहीं लगती, कैसे हम उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें? तो पहली बात तो दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही कॉमन सेंस अप्रोच है। इसमें आप बहुत ज्यादा मीन मेक मत करना, डोंट ओवर एनालाइज व्हाट आई एम अबाउट टू टेल यू, दिस इज जस्ट अ कॉमन सेंस अप्रोच। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी ऑल बाय रेडीमेड फूड्स। मैं भी खरीदता हूँ, आप भी खरीदते हैं। चेक द लेबल्स ऑन द रेडीमेड फूड। जो भी हम रेडीमेड चीजें खरीदते हैं उनके लेबल्स चेक करिए। ऐसे स्नैक्स खरीदिए, ऐसे पैकेज फूड खरीदिए जिसमें लेबल्स में लिखा हुआ है कि भाई ज्यादा शुगर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चेक करेंगे लेबल टोमेटो केचप का, तो यू विल रियलाइज इट हैज लॉट्स ऑफ शुगर। और चूंकि शुगर जो होती है इट एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव, वो खाने को प्रिजर्व करती है, देयरफॉर इट इज ऑल्सो एडेड इन कैंड फ्रूट्स एंड जूसेस। बहुत सारी पॉपुलर इंस्टेंट नूडल्स जो होती हैं, दे ऑल्सो कंटेन शुगर। ऑल्सो चेक द लेबल्स ऑफ योर इंस्टेंट वेजिटेबल करीज। वो जब इंस्टेंट उपमा लेते हैं ना, पोहा, इंस्टेंट पोहा लेते हैं, इंस्टेंट भेलपूरी लेते हैं, उसके लेबल्स को चेक करिए, और वहाँ पर भी आप पाएंगे शुगर हमेशा होती है काफ़ी अमाउंट में। तो मैंने तो क्या देखा है कि जब मैं लेबल्स पढ़ता हूँ किसी भी पैकेज फूड के, एक रूल ऑफ थंब मैंने बनाया है स्ट्रेट अवे कि अगर मैं उनके लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स में देखता हूँ कहीं भी शुगर लिखा हुआ है, आइदर एज अ फर्स्ट इंग्रेडिएंट और द सेकेंड इंग्रेडिएंट और इवन द थर्ड इंग्रेडिएंट, तो मैं वो चीज़ लेता ही नहीं हूँ, बिकॉज आई रियलाइज कि इसमें शुगर ज़्यादा है। बट अगेन, यहाँ पर आपको अपना कॉमन सेंस अप्लाई करना है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊँगा, टू बी केयरफुल अबाउट द सो कॉल्ड हेल्थ फूड जो मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जहाँ पर भी मैं देखता हूँ कि किसी भी पैकेज फूड में देर इज समथिंग विच इज रिटन एज अ हेल्थ फूड, यू नो, और इट इज बीइंग पॉपुलराइज और एडवर्टाइज एज अ हेल्थ फूड, आई एम एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट चेकिंग द लेबल्स, बिकॉज इट इज कॉल्ड द हेल्थ हेलो इफेक्ट। अभी रिसेंटली मैंने एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट सीरियल देखा था, आई विल नॉट टेक इट्स नेम, उनकी हेल्थ फूड बार्स भी आती हैं, और उस पर उन्होंने खूब एडवर्टाइज किया हुआ था कि दिस कंटेन्स विटामिंस लाइक विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन, इट इज मेड फ्रॉम होल ग्रेन्स वगैरह वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑल नाटकबाजी। बिकॉज जब मैंने चेक किया तो आई फाउंड आउट इट वॉज हैविंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ शुगर। मतलब उसकी एक सर्विंग में लगभग 3 से 4 स्पून जो थी वो शुगर थी। तो कहने का मतलब क्या है कि जस्ट बिकॉज समथिंग इज एडवर्टाइज एज हेल्दी डजंट मीन जस्ट हमें ब्लाइंडली उसको पिकअप करना चाहिए। एक बार नज़र डाल लेनी चाहिए हमें उसके इंग्रेडिएंट्स पे, और उसके बाद ले भी उसको तो बहुत ही कंट्रोल क्वांटिटीज में लें, थोड़ा हल्के हल्के या रुक रुक के। फिर एक चीज़ जो आजकल बहुत पॉपुलर हो गई है वो ये कि प्रोसेस्ड फूड कंपनीज को पता लग गया है कि लोग जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं और शुगर कट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि शुगर का नाम चेंज कर दिया है। दे हैव नाउ चेंज द नेम ऑफ शुगर।
So you will find in many of the labels and ingredients, sugar is going by a different name, you know. उसका नाम बदल दिया है, वो है शुगर ही. सो जब आप चेक करते हैं इंग्रेडिएंट्स, तो उसमें ये भी चेक करिए कि उसमें कहीं हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप तो नहीं है, उसमें कहीं डेट शुगर तो नहीं है, उसमें कहीं इथाइल मेल्टोल तो नहीं है, मोलेसिस सिरप तो नहीं है, सुक्रोज तो नहीं है. दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है ना, दे आर ऑल अल्टीमेटली शुगर ओनली. और छोटी मोटी क्वांटिटी हल्की फुल्की होती है तो डजेंट मैटर, आपके बॉडी को पता भी नहीं लगेगा. बट अगर हम उसको ले रहे हैं और हमको टेस्टी लग रहा है, तो एक नज़र डालनी चाहिए कि भाई इसमें मिठास आ कहाँ से रही है, बिकॉज मे बी यू आर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ शुगर, यू नो. तो मैं जैसे सोडास होते हैं, सोडास चेक करता हूँ उसमें कितनी शुगर होती है. और बेक्ड गुड्स खरीदते हैं हम लोग, आई ऑलवेज चेक कि कितनी शुगर उसमें है. हमारे जो फास्ट फूड्स होते हैं, कैंडीज होते हैं, इन सब में ज़बरदस्त अमाउंट ऑफ शुगर होती है. और मैं ये नहीं कह रहा कि सारी चीज़ें ख़राब हैं. सम ऑफ देम आर मे बी बेटर देन द अदर्स. सम ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स, सम ऑफ दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर्स मे बी आर बेटर देन द अदर्स, लेकिन नन ऑफ देम आर ट्रूली हेल्दी. और अगर आप उनको एक्सेस क्वांटिटीज में लोगे, दे विल कंट्रीब्यूट टू डायबिटीज, हार्ट डिजीज एंड ओबेसिटी एंड इंक्रीज योर विसेरल फैट ऑल्सो. बट द की इज यू शुड बी अवेयर एंड ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर कि इनको बहुत ज़्यादा कंज्यूम ना करें, हेल्दी फूड समझ के. अब जाहिर सी बात है कि मोस्ट ऑफ यू माइट बी थिंकिंग दैट यू नो व्हाट द हेक आर वी सपोज्ड टू डू. लिसन, जो मैंने आपको बताया दिस इज ऑल कॉमन सेंस अप्रोच, बिकॉज इनिशियली व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट, इट लुक्स लाइक कि ये कैसे करूँगा, इतना पढ़ना पड़ेगा, चश्मा लगा के इंग्रीडियंट्स पढ़ने हैं, ये है वो. दोस्तों इफ़ यू स्टार्ट डूइंग इट एंड इफ यू आर जस्ट अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, तो धीमे धीमे क्या होगा कि यू स्टार्ट मेकिंग हेल्दी चॉइसेस. और फिर धीमे धीमे होगा क्या कि योर हैंड विल ऑटोमेटिकली गो टूवर्ड्स दोज फूड्स विच आर नेचुरली हैविंग लेस शुगर. सो पहली बात तो ये है कि विद दिस नॉलेज टेक अ वेरी ऑनेस्ट लुक, बी वेरी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड लुक एट योर डाइट एंड फिगर आउट कि यार मैं कितना हिडन शुगर कंज्यूम कर रहा हूँ. वो शुगर जो आप हाथ से डालते हो वो प्रॉब्लम नहीं है, वो जो हिडन शुगर इतने बड़े अमाउंट में आ जाती है ना, दैट इज वॉट यू हैव टू ट्राई टू लिमिट इन योर इनटेक. एक और टिप मैं ये दे सकता हूँ आपको कि आपका जो ब्रेकफास्ट होता है ना, इट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे, इट किक स्टार्ट्स योर डे. तो मेरी एडवाइस हमेशा यही होती है कि ऑलवेज ईट अ प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट जिसमें प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा है, गुड क्वालिटी प्रोटीन. और उससे क्या होगा कि जो एक प्रोटीन रिच आपका हैवी ब्रेकफास्ट होगा ना मॉर्निंग में, इट विल हेल्प यू कॉम्बैट शुगर क्रेविंग्स ड्यूरिंग द डे टाइम. और वो आपको फुलनेस की फीलिंग काफ़ी लंबे समय तक देगा, तो वो शुगर क्रेविंग्स जो है वो काफ़ी देर तक दिन में आपको नहीं होगी. फिर एक और चीज़ जब आपको पता लग जाएगी, जब आपकी हिडन शुगर बहुत ज़्यादा है कि मैं बहुत सारी एक्सेस शुगर ले रहा हूँ हिडन फॉर्म में, अब इसको कट करना एकदम से नहीं होगा, बिकॉज इफ़ यू ट्राई टू कट देम इमीडिएटली तो व्हाट विल हैपन इज दिस कि थोड़े दिन तक आप तो कर पाओगे, उसके बाद गिव अप कर दोगे कि मैं नहीं कर सकता. तो करना क्या है कि धीमे धीमे आपको ना पहले पहचानना है कि कहाँ से मेरे को हिडन शुगर बहुत सारी मिल रही है खाने में, कौन से वो फूड्स हैं जो मेरे को टेस्टी लगते हैं, आई फाइंड देम टेस्टी बट दे आर डेफिनेटली हैविंग हाई अमाउंट्स ऑफ शुगर, एटलीस्ट नो दैट. देन उनकी क्वांटिटी जो है उनको आधी कर दीजिए एंड देन धीमे 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 फिर उनको रिप्लेस करना है विद हेल्दी चॉइसेस. जैसे अगर मान लीजिए मुझे कुछ मीठा चाहिए, तो मैं हो सकता है कि अपने सीरियल में, मैं अपनी दलिया में आई कैन पुट अ लॉट ऑफ बनानास बिकॉज बनाना में शुगर होती है. मेरे को मीठा लगता है तो मैं किसी स्नैक्स के पीछे जाने के बजाय आई ऑलवेज टेक सम एप्पल्स बिकॉज एप्पल्स जो होते हैं उसमें नेचुरल शुगर होती है. ऑल्सो जो मिक्स नट्स होते हैं जिसमें कुछ कुछ किशमिश होती है, रेजिन्स होते हैं, देर ऑल्सो अ गुड रिप्लेसमेंट जब भी आपका मन करे कुछ खाने को. तो होगा क्या कि धीमे धीमे जब आप अपने पोर्शन साइज को कम करेंगे बाय बिकमिंग अवेयर कि इन चीज़ों में हिडन शुगर बहुत ज़्यादा है एंड यू स्टार्ट मेकिंग हेल्दी चॉइसेस टू रिप्लेस दोज थिंग्स, तो फिर आपके जो टेस्ट बड्स हैं वो धीमे धीमे एडजस्ट करना शुरू कर जाएंगे. योर टेस्ट बड्स विल टेक टाइम एंड दे विल एडजस्ट. ड्यूरिंग दैट एडजस्टमेंट टाइम पीरियड थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आता है. और मैंने क्या देखा कि जब भी आपकी तलब होती है कुछ मीठा खाने की, वेन एवर यू हैव अ क्रेविंग फॉर शुगर, इफ़ यू जस्ट गो फॉर अ वॉक, टेक अ ब्रीफ 15-minute वॉक और डू सम एक्सरसाइज, उससे क्या होगा कि वो उस वक्त आपकी शुगर क्रेविंग जो है वो रिड्यूस हो जाती है. तो इस तरीके से आपको अपने लाइफस्टाइल में कुछ अवेयर रहना है कि कहाँ कहाँ हिडन शुगर आती है, उसको पहचानिए, उसे कंट्रोल कीजिए. एंड ये एक दिन में नहीं होगा, बट यू नो एज यू कीप ऑन मेकिंग हेल्दी चॉइसेस, धीमे 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 यू विल फाइंड आउट दैट यू नो योर ओवरऑल हेल्थ इज इम्प्रूविंग अ लॉट.
और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ही है कि शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड्स मेनी डिजीजेस लाइक टाइप 2 डायबिटीज़, ओबेसिटी, फैटी लिवर डिजीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। और हम लोगों को जो है अवेयर रहना है कि हमें अपना शुगर इनटेक जो है उसको विद इन चेक रखना है। तो अगर आप अपनी हिडन शुगर जो है उसे चेक कर लेते हैं, कंट्रोल में रखते हैं, तो मुझे लगता है कि इट विल प्ले अ ह्यूज रोल इन योर ओवरऑल हेल्थ ऑफ यू एंड योर फैमिली। एंड दैट इज माय एडवाइस टू यू फॉर द डे। एंड इस टॉपिक पे एंड अदर रिलेटेड हेल्थ टॉपिक्स विल बी टॉकिंग अगेन एंड अगेन। एंड फॉर गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट सच टॉपिक्स, फाइंड सम हेल्थ एंड वेलनेस कोच इन योर कम्युनिटी हु कैन गाइड यू एंड गिव यू टिप्स कि किस तरीके से आपको अपनी डाइट जो है उसको कंट्रोल में करना है। एंड फॉर दिस रीजन ओनली वी हैव बिल्ड अ फिटनेस एंड फ्रीडम हेल्थ एंड वेलनेस कम्युनिटी। एंड वी हैव आवर इंस्टाग्राम पेज जहाँ पर हम लोग जो है डेली कुछ ना कुछ टिप्स देते हैं ऑन हाउ यू कैन मेक अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर लिविंग हेल्दी एंड लिविंग वेल। सो विद दैट इन माइंड, दिस इज योर फ्रेंड सुमित साइनिंग फॉर द डे। हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड आई विल टॉक टू यू सून विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टेक केयर, लव यू, बाय फॉर नाउ।